हेलो नमस्कार फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज देखिए, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये नायलॉन रबर स्टैम्प मेकिंग मशीन है। नायलॉन रबर स्टैम्प मेकिंग मशीन है, 18 इंच की है, 4 ट्यूब नीचे और 4 ट्यूब ऊपर है। यही है नायलॉन रबर स्टैम्प मेकिंग मशीन। ये देखिए, जिसमें हम लोग रबर स्टैम्प बनाते हैं, मोहर बनाते हैं, नॉर्थ में इसको मोहर बोलते हैं, रबर स्टैम्प भी बोलते हैं। ये देखिए, यही मशीन है। इसको ओपन करके दिखाता हूँ फिर से। ये देखिए, मेरे क्लाइंट का फ़ोन आया था, उनको ओपन करके फ़ोटो भेजना था, तो मैंने बोला चलो इसके ऊपर एक वीडियो ही बना लेते हैं। और आज मेनली मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ ना, कि रबर स्टैम्प बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगता है, कि एक रबर स्टैम्प अगर शॉप ओपन करना है तो आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहला तो एक कंप्यूटर चाहिए या लैपटॉप चाहिए। देखो ये लैपटॉप है, समझो ये लैपटॉप चाहिए और ऐसा कंप्यूटर चाहिए। उसके बाद एक प्रिंटर चाहिए आपको, लेजर प्रिंटर चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेसिंग पेपर चाहिए, ये देखो ट्रेसिंग पेपर, तीन हो गया। चौथा फिर आपको प्रिंट ले लिया ब्लैक में करके। प्रिंट लेने के बाद आपको क्या चाहिए, सबसे पहले जिलेटिन रोल चाहिए, ये वाला। उसके बाद उसके ऊपर बॉर्डर टेप, बॉर्डर टेप के ऊपर लिक्विड, हाँ सॉरी 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 सॉरी, फिर से रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, प्रिंट लिया उसको डार्क करने के लिए ये केमिकल, ये देखो प्रिंट इन्हांसर, ओके। इसके लिए हमने ये लगा के रखा है स्प्रे, उससे कम थोड़ा वेस्टेज कम जाता है डार्क करने के लिए। और वो बाकी वीडियो में मेरा है, और ऊपर आपको लास्ट में भी देखेंगे तो मिल जाएगा, और ऊपर भी आपको आई बटन में भी पूरा स्टैम्प कैसे बनाते हैं वो आपको पूरा है, रबर स्टैम्प कैसे बनाते हैं वो हिंदी में पूरा डिटेल है। तो अभी क्या क्या मटेरियल लगता है, तो क्या हो गया, फर्स्ट लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आपके पास है, और एक प्रिंटर लेजर हो गया, दूसरा ये ट्रेसिंग पेपर कोई भी कंपनी का हो, टेक्नोवा हो, ऑटोफ्लेक्स जो भी हो आपके पास, जो भी है चलेगा। तीसरा जिलेटिन रोल डार्क करने के, ये डार्क करने के बाद जिलेटिन रोल मारना है, जिलेटिन रोल मारने के बाद बॉर्डर टेप मारेंगे हम लोग, जो आप फर्स्ट टाइम के वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद ये लिक्विड डालेंगे, लिक्विड डालने के बाद पैकिंग डालेंगे दोनों साइड, इसको डबल करके, या मेरे पास है जाड़ा हम भेज देंगे। उसके बाद ये बैक सीट, ये देखिए ये बैक सीट है जो ऊपर से डालते हैं हम लोग, आप वीडियो में देख सकते हैं, ये आई बटन में आपको पूरा वीडियो का लिंक मिलेगा, ये हो गया। इसके बाद इसको निकालने के बाद ये मशीन है, और ये कैसे बनते हैं वो ये है, और उसको वॉशिंग किसे करते हैं, हम तो इससे करते हैं, ये देखिए रिफ्लेक्ट का, या आप शैम्पू से कर सकते हैं या कुछ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और उससे बनते कैसे है, जैसे डेटर बैंक डेटर स्टैम्प है ये बनते हैं, और ये मशीन है इसका, ये नीचे हाइपो, उसका आपको हाइपो भी लगेगा, एक छूट गया था, अच्छा हुआ दिख गया वो हाइपो की हैंडल, हाँ ये देखो हाइपो। अपन वापस वहीं चलते हैं जहाँ मटेरियल है, और डार्क कैसे करते हैं वो देखो, ये ट्रेसिंग भी ले लेते हैं एक दो, ठीक है। ये देखिए, ये आपका हाइपो है, और ये आपका जो ब्लैक में निकला हुआ है, ये देखो ब्लैक में, ठीक है, डार्क करके ये लिक्विड मार के ब्लैक हो जाता है। और ये हाइपो है जो उस ट्रे में आपको पानी दिख रहा था ना नीचे, वॉशिंग करने के बाद उसमें रखते हैं, और बाद में ऐसा कट करते हैं, देखिए साई बाबा का मैंने बनाया था कुछ दिन पहले, और ऐसा वेरीफाइड पेड ऐसे ऐसे तो मेरे पास रेडी रहते, थैंक यू। और मैंने आपको बताया था मेरे पास पेड के हैं, आपको दिखाता हूँ, जो मैं 500 में सेल कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ने लिए भी है उनको, और ये वॉशिंग केमिकल है। तो अभी आज इसमें पूरा मालूम पड़ गया आपको, कि आपको क्या क्या चाहिए रहता है स्टैम्प बनाने के लिए। हाँ तो अभी हम इसको मिनिमाइज करते हैं, और आपको दिखाना है मुझे कि मेरे पास पेड में क्या क्या है। ये देखिए मैं क्या क्या दे रहा हूँ, ये ओपन विथ करेंगे PDF के साथ, ये देखिए फ्रेंड, ये दे रहा हूँ 500 में, दूसरा ओपन विथ, ये देखिए ये दे रहा हूँ इसमें, और नीचे करेंगे स्क्रॉल, देखिए ये सब दे रहा हूँ मैं, हाँ देख रहे हैं आप। उसके बाद मैंने एक और फाइल बनाया, मेरे एक फ्रेंड ने बोला मुझे और चाहिए थैंक यू वगैरह का, तो उनके ये और तीन फाइल दे रहा हूँ, देखे आपने, ये सब आपको आएगा 500 में सभी। ये सभी में सबसे फ़ायदा क्या है ना,
और ये देखिए ये लेजर प्रिंटर है जो मैं आपको बता रहा था, आपको जो चाहिए हम जो ये यूज करते हैं वो ये है, लेजर प्रिंटर है। और वो जो सबसे फायदा उसमें है ना कि आप उसको सबको R&D कर सकते हैं, मतलब आप सब में ना एडिट कर सकते हैं। मैं ऐसा फाइल भेज रहा हूँ, कन्वर्ट फाइल नहीं है, PNG फाइल नहीं है, सबको आप कन्वर्ट ये कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सब में नाम चेंज करके आप टाइपिंग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो अभी आपको पता चल गया कितना कॉस्टिंग है कॉस्ट एक रबर स्टैम्प का दुकान खोलने के लिए। रबर स्टैम्प ये नहीं बोल रहा हूँ सेल्फिंग के साथ, नहीं मैं सिर्फ एक रबर स्टैम्प का बोल रहा हूँ। एक से लैपटॉप है मेरे पास, ये 8 से 10 हज़ार का लैपटॉप होते हैं, समझ लो हाँ, 8 से 10 हज़ार। और ये 12 हज़ार की मशीन, मतलब 20 हज़ार की थी हो गई, और 2-3 हज़ार की ये हो गया, समझो 20-23, 2 हज़ार और पकड़ लो एक्स्ट्रा, समझो हमारे पास आए गए कहीं से, तो सब मिला के आपको 25 हज़ार में ना आराम से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और हर दिन का 2-2 हज़ार कहीं नहीं गया अगर आप मार्केटिंग करते हो। जैसे हाँ हम जेरोक्स की मशीन से ऑर्डर लेते हैं, सब्जी कसम जा के ऑर्डर लेके आते हैं, और सब मेरा डिलीवरी होता है फिर शाम को रात को दिन को, तो आराम से आप कर सकते हैं। ये सेल्फिंग मशीन है, तो अगर आप ये भी लगा लिए तो 10-12 हज़ार और खर्चा पकड़ लो, यानी आपको 25, 27, 37, तो 37-40 हज़ार में ना आराम से पूरी सेटअप हो जाएगी, और वो कम से कम 4-5 हज़ार का आराम से धंधा कर सकते हैं आप डेली का। ओके फ्रेंड, तो अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड इंक्वायरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो या टेक्स्ट करो, और इससे और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे भेजो, और प्लीज़ मुझे फॉलो करो, शेयर करो, अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।